मुंबई के बोरीवली से एक अजब गजब मामला सामने आया है। एनिमल लव की एक अनोखी खबर है, जहां जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेन से चोरी हुए एक पालतू कुत्ते शेरू को खोजने में कामयाबी हासिल की है। शेरू को खोजने के लिए बोरीवली पुलिस ने 10 दिनों में 70 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की जाँच की है और आखिरकार शेरू को उसके मालिक तक पहुँचा दिया है। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे एक लड़का था, कार्तिक नामदेव काले कह के, 14 साल का। वो अपना एक पपी इंडियन जर्मन शेफर्ड ब्रीड का लेके जा रहा था, तो उसके हाथ से एक अनोखी सम उसका पपी छीन के चोरी करके भाग गया था। ऐसा कंप्लेंट हमें हर्षली राजन गुप्ते, ये जो प्योर एनिमल लव इस एनजीओ की कार्यकर्ता है, उन्होंने 27 तारीख को आके बोरीवली रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज किया था। तो उस मामले की छानबीन में मेरे डीबी गुने डिटेक्शन टीम ने लगभग 70 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक करके जो अनोल किसम था, जो पपी लेके भागा था, उसकी आइडेंटिफिकेशन किया। जो सूर्यकांत वसंत हड़कल कहके था, उसने वो उसको डॉग पसंद आया, इसलिए वो उसे हाथ से छीन के चोरी करके चला गया था। उससे उसको हमने 29 फरवरी को पकड़ा। दरअसल 2 महीने के शेरू को चलती ट्रेन से कोई चुरा कर भाग गया था, जिसके बाद शेरू के मालिक कार्तिक ने इसकी सूचना हर्षाली राजन गुप्ते को दी, जो कि पेशे से वकील है, साथ ही एक एनिमल लवर भी है, जो जानवरों की देखभाल से जुड़े एक एनजीओ में शामिल है। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। 19 फरवरी को जोगेश्वरी प्लेटफॉर्म से एक शेरू नाम का डॉग कार्तिक काले, जो छोटा लड़का है, उसके हाथ से प्लेटफॉर्म से जब भी वो ट्रेन में बैठा था, तो वो चोर ने उसके हाथ से खींच के भाग गया। 19 फरवरी को उसी दिन हमने रेलवे पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। 27 फरवरी को FIR रजिस्टर हुआ और 29 फरवरी को हमारा डॉग हमको मिल गया, चोर भी अरेस्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में 9:09 का सुबह का फुटेज है, जो फर्स्ट फुटेज दिखाई दिया, वहाँ से कंपार्टमेंट से डॉग को खींच के वो चोर उसके हाथ में वो शेरू नाम का पपी है और वो उसको लेके भाग रहा है जोर से। उसका नाम कार्तिक काले है। मैं उसको जस्ट एक उसका थोड़ा बहुत देख रेख करती हूँ। वो मेरे पास आता है उसके डॉग्स लेके, वो भी एनिमल लवर है वो बच्चा, तो मैं उसको ऐसे पहचानती हूँ। बता दें कि जर्मन शेफर्ड ब्रीड के शेरू को चोरी करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके कब्जे से शेरू को वापस ले लिया है और शेरू को महिला वकील के हवाले कर दिया है।